सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप यदि किसी स्त्री को देखकर हंस रही हो, मेरी माँ किसके बेटा नहीं है, तो याद रखना आपके मुंह से यदि ये निकल गया किसके बेटा नहीं है और आपने हंस दिया, इतना निकला किसके बेटा नहीं है, तब तो ठीक है, आपने बताया किसी को फलाने के बेटा नहीं है, पर आप हंसे इसके बेटा नहीं है और आपने उस पर हंस दिया, हंसी उड़ा दी, बस ये तुम्हारी हंसी नोट हो गई। हंसना भी कहां चाहिए और कहां नहीं हंसना चाहिए। हंसने के कारण महाभारत खड़ा हो गया था। द्रौपदी ने हंसी ही तोड़ाई थी। जब दुर्योधन आए तो दुर्योधन वहां पर विश्वकर्मा ने ऐसी संरचना की थी कि जहां पानी था वहां थल दिख रहा था और जहां जल था वहां थल और जहां थल था वहां जल। तो दुर्योधन पानी में गिर गया, उसे लगा ये सिंपल जगह है, चला गया पानी में गिर गया, उसे भ्रांति हो गई। तो दुर्योधन पानी में गिरा तो द्रौपदी ने ऊपर से कह दिया अंधों के अंधे होते हैं, और ये कहकर हंस दिया। और जब हंसा तो दुर्योधन ने मन में संकल्प ले लिया, तुम मेरी इज्जत उतार रही हो सबके सामने, मैं तुम्हारी इज्जत उतारूंगा। वही बदला था कि द्रौपदी के वस्त्र हरण करने की कोशिश की। अर्थ केवल यह है, किसी को देखकर कोई क्यों हंसता है भाई? अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने लोगों को ये तो संस्कार दो मेरी माँ के, किसे देख के हंसना है, किसे देख के नहीं हंसना। अंधे को देखकर तुम हंसते क्यों हो? किसी के बेटा नहीं होता हंसते क्यों हो? इसमें उसका क्या कसूर है? विधाता ने उसे ऐसे ही बनाया। हंसना नहीं चाहिए। यदि आप हंसे तो वो दिन दूर नहीं जब आप पर भी लोग हंसेंगे। द्रौपदी हंसी दुर्योधन पर, तो द्रौपदी की भी तो साड़ी खींची, तब लोगों ने हंसी उड़ाई कि नहीं? तब तो कहा था दुर्योधन ने, आजा मेरी जंघा पर बैठ जा। आप हंसेंगे तो आप बच पाएंगे क्या? इसलिए किसी को देखकर हंसिएगा मत। किसी के दुख में दुखी होना तो बनता है, उचित है, पर किसी के दुख का परिहास करना, मजाक बनाना उचित नहीं है। ये हमारे संस्कारों के खिलाफ बात हो जाएगी। हम ना देखें, आप ना देखें, पर ईश्वर तो नोट कर रहा है सबका हंसना रोना, वो लिख रहा है। इसलिए आत्मदेव जी को देखकर पड़ोसी हंसते थे, इसका बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। आत्मदेव जी मरने के लिए चले गए, मैं मर जाऊंगा, ऐसी जिंदगी जीऊंगा ही नहीं, और मरने लगे। तब वहां जंगल में एक महात्मा जी बोले, ब्राह्मण कथम रोदसि विप्रत्वम काते चिंता बलियसि वदत्वं सत्वरं महियं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। ब्राह्मण ने कहा, क्यों रो रहे हो? आत्मदेव जी ने कहा, बेटा नहीं है। संत जी ने कहा, पागल, राजा सगर के 60,000 बेटे थे, क्या सुख मिला? अच्छा, आपको ये गलत फहमी हो गई है कि बेटों से सुख मिलता है, ये गलत फहमी है। क्या राजा दशरथ जी को अपने बेटों से सुख मिला? राम जी वनवास चले गए, जब दशरथ जी के प्राण निकले तो 4 में से एक भी बेटा रहा हो तो बता दो? जिनके बेटे भगवान हैं उस पिता को भी तो बेटों से सुख नहीं मिला। जिस पिता के पुत्र कृष्ण हैं उनके पिता को भी तो जंगल जेल की रोटियां खानी पड़ी कंस के यहां। तो बेटा राम और कृष्ण ही क्यों ना हो, संतान से सुख मिलता नहीं है। इसलिए संतान के लिए रोने से अच्छा है भगवान के लिए रोया जाए। भगवान के लिए रोएंगे तो सुख मिलेगा। रावण ने भगवान के लिए नहीं रोया तो उसके पुतले जलाए गए, और विभीषण भगवान को पाने लंका छोड़कर भागा तो विभीषण को भगवान ने लंका का राजा बना दिया। जो भगवान के लिए भागता है, भगवान उसे सारा धन देकर राजा बनाकर उसे बिठा देते हैं। इसलिए भगवान के लिए रोएंगे तो बेटा बेटी तो इतने आपको कितने चाहिए? रावण के 1,00,000 बेटा थे,
पर रावण के 1,00,000 बेटा में एक भी बेटा रावण की आग लगाने को, चिता में आग लगाने को उपस्थित नहीं था। रावण मरा तो 1,00,000 पूत 1,25,000 नाती, जिसके घर पर दिया ना बाती, रहा ना कोकुल रोवनिहारा। रावण मरा तो कोई रोने वाला नहीं बचा। क्यों? बेटा पाया तो था रावण, पर बेटों को पाकर भी भगवान से दुश्मनी की तो रोने वाला कोई नहीं बचा। और मीरा ने बेटे नहीं पाए, भगवान को पाया, तो हर जगह पर उसका नाम है, लोग पावन करते हैं उसका नाम लेकर अपनी जिह्वा को। कहां परवाह की गुरु गोविंद साहब ने अपने बच्चों की? वो भारत की परवाह करते थे, बेटों की परवाह नहीं करते थे। वो सबको बेटा मानते थे। ये दृष्टि हमारी कब बनेगी? हमारी ऋषि मुनियों की केवल आरती उतारने से काम नहीं बनेगा। हम रोज मंदिर जावें, रोज गुरुद्वारे जाएं और प्रणाम करके बस आ जाएं, इससे काम नहीं बनेगा। हमारे ऋषि मुनियों का जो विचार था वो हमारा विचार बने, जो उनका चरित्र था वो हमारा चरित्र बने, जो उनके आचरण थे वो हमारे आचरण बने, तब तो कल्याण है।